काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है 22 दिसंबर, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है क्योंकि इस वीडियो बनाने में। चलते पहला क्वेश्चन, क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया WV रमन को, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके WV रमन जी के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले और 1 डे 27 खेले हैं। अभी हाल ही में ये बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार भी है। यहाँ बात हुई है महिला क्रिकेट टीम की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। इसकी कैप्टन है वनडे की मिताली राज, और T20 की है हरमनप्रीत कौर है। और T20 के बारे में आपको मैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो हाल ही में हुआ है। T20 में वेस्टइंडीज में हुआ है अभी, और विजेता कौन रही है? ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता रही है दोस्तों। ये 4 बार विजेता रह चुकी है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना जरूरी है। अब यहाँ WV रमन जी के आपको मैं पिक्चर बता देता हूँ और क्रिकेट टीम की, तो इससे क्या रिलेटेड आपको याद रह जाएगा, इससे आपको भूलेंगे नहीं कभी भी। तो मैं आपके लिए पिक्चर सेट करके लाता हूँ साथ में। तो ये आप देख पा रहे हैं, इनकी पिक्चर है रमन जी की, और यह है इंडिया क्रिकेट टीम महिला, तो ये आपको दिख रही है। तो इससे क्या आपको याद रह जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है रमन को महिला टीम की कमान, रमन जी को महिला टीम की कमान संभाल दी गई है। तो ऐसे आप क्या है रिलेटेड किया करो, किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ का नाम आए, महिला क्रिकेट टीम का नाम आया तो उनसे रिलेटेड याद रखा करो कि रमन जी इसके क्या है कोच है, तो ऐसे क्या करो याद, और इसका कैप्टन कौन है। तो इससे क्या आपको रिलेटेड याद रखोगे, तो उससे क्या है अच्छे से आपकी जनरल नॉलेज तैयार हो पाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन ने सांस्कृतिक जन आवास प्रदान की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों ये? तो ये की गई है दोस्तों दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? दिल्ली। ये 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में अपनी विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज जी। विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज जी, और उनके चीन के कौन थे? समकक्ष, चीनी समकक्ष वांग यी ने भाग लिया था। किसने? वांग यी ने भाग लिया था। इस बैठक का लक्ष्य क्या है दोस्तों? इस बैठक का लक्ष्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। यहाँ बात हुई है चीन की, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? संघाई, तो ये भी आपको याद रखना है। और चीन दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? रूस। और राष्ट्रपति कौन है चीन के? वह है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। पीएम कौन है यहाँ के? प्राइम मिनिस्टर होले केक यांग, होले केक यांग यहाँ के राष्ट्रपति है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको इसकी पिक्चर भी बता देता हूँ, तो वो भी आपको याद रख अच्छे से याद रह पाएगी। तो ये देख पा रहे हैं आपको पिक्चर में, ये है अपनी क्या है सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी, ये है वांग ई जो समकक्ष है चीनी के। तो ये दोनों या इन्होंने समझौता किया इस बारे में, भारत और चीन की सांस्कृतिक जन आदान प्रदान पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली में। तो ये आप देख रहे हो, तो इससे क्या आपको रिलेटेड याद रखोगे, तो ये आपको भी नहीं भूलोगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम पल पल की अपडेट भी लेके आते हैं, कोई भी न्यूज़ आती है गवर्नमेंट एक्ट संबंधी, और करंट अफेयर्स की डेली वीडियो आती है, तो इससे पहले कि आप वीडियो देख सकते हो जा करके चैनल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी की है? तो किसने जारी की है दोस्तों ये? तो ये जारी की है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात हुई है नीति आयोग की, ये कितने तारीख को किया था ये रिपोर्ट जारी? ये की 21 दिसंबर को, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की, इसकी ये देख लो, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ESA। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो इसको आप लिख लिया करो कॉपी से,
तो आपको अच्छे से याद हो पाएगी। इसकी स्थापना हुई की गई थी 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? अपने नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है इसके? तो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके रिलेटेड कि सीईओ कौन है, इसके सीईओ के बारे में पूछा जाता है। तो सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। और एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों के माइंड में कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष का मतलब राजीव कुमार है अभी तो हाल ही में। और सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे सबसे पहले? अरविंद पनगड़िया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो किसने सतत विकास लक्ष्य 12-2018 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया? नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। आपको मैं इसकी पिक्चर भी बता देता हूँ, उससे आप क्या है अच्छे से याद रख पाओगे। तो चलते हैं पिक्चर की तरफ। इसकी पिक्चर तो ये आपको अच्छे से नजर आ रहा है, नीति आयोग। तो ऐसे आप क्या है याद रखिया करो, कुछ भी आए लिख लिया करो, मैं बताता हूँ उसके साथ साथ में लिख लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर लिख लिया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 दिसंबर 2018 को MHIS 6 स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है दोस्तों? यह की है मेघालय के मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात हुई है दोस्तों इसमें क्या है, इस योजना में क्या है, इसके अंदर तहत क्या है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर 2300 से अधिक चिकित्सा इकाइयां और शल्य चिकित्सा पैकेज प्रति परिवार को 5 लाख रुपए, क्या है 5 लाख रुपए तक की पेंशन करने की लिए 8 लाख परिवारों को क्या किया जाएगा, इसे अधिक से घरों को कवर किया जाएगा। 8 लाख से अधिक परिवारों को, गरीब परिवारों को क्या किया जाएगा, करीब इसमें शामिल किया जाएगा। तो मेघालय की यहाँ बात हुई, मेघालय, मेघालय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बादलों का घर, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जामों में। और यहाँ बात हुई मेघालय की, तो मेघालय के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, क्या है कैपिटल? शिलोंग। गवर्नर कौन है? तथागत राय, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ हाल ही में अभी क्या है, 5 राज्यों में क्या है अभी ये चुनाव हुए, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो ये आपको इनका याद रखना है। मिजोरम, मिजोरम के राष्ट्र ये कौन है, ये मुख्यमंत्री वो है जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। और राजस्थान है, तो राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ऐसे रिलेटेड कुछ भी ऐसे चीज़ें याद हैं याद रखिया करो, तो उससे क्या है आपको अच्छे से याद रह पाएगी, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फोसिस के नए सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के नए सीईओ कौन है? इसके सीईओ है निरंजन राय। कौन है? निरंजन राय इसके सीईओ है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात हुई है इन्फोसिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी NR नारायण मूर्ति ने। किसने की थी? NR नारायण मूर्ति ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ बात हुई है इन्फोसिस की, तो इसके बारे में आपको पिक्चर बता देता हूँ, तो उससे क्या आपको रिलेटेड याद रह पाएगा। इसका आप याद रखना, निरंजन राय इसके सीईओ है, अध्यक्ष है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो ये आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर है इन्फोसिस की, तो इसे आप याद रखिया करो, पिक्चर से सेट हो जाएगी आपके माइंड में अच्छे से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसके लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसके लिए संरक्षण योजना शुरू की है? तो वो की है दोस्तों एशियाई शेर, ये यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है एशियाई शेर, तो एशियाई शेर कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपके माइंड में है कि क्वेश्चन आना चाहिए। इंडिया के अंदर कहाँ पर पाया जाता है? ओनली ये गुजरात के अंदर पाया जाता है। कौन से राष्ट्रीय पार्क में, यह भी पूछा जा सकता है आपको, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी बता देता हूँ, गिर राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है दोस्तों ये, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ बात हुई है पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, तो इसका मंत्री भी आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री कौन है? वह है डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके
ये है मंत्री, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल। ये से क्वेश्चन आपको याद में जल्दी से कहा जाना चाहिए कि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय आया तो डायरेक्ट नाम क्या आना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, आपके माइंड में घुस जाना चाहिए जल्दी से। गुजरात का नाम आता है गिर राष्ट्रीय पार्क, वहाँ क्या पाया जाता है ये आपके ऐसे माइंड में चलना चाहिए, एशियाई शेर। तो ऐसे आपको क्या है अच्छे से याद रख पाओगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी पर इसको शेयर कर दो आप, तो उनको भी क्या है हेल्प मिल जाएगी जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडॉप्ट ए हेरिटेज परियोजना के तहत कितने स्मारक अपनाए गए। तो हाल ही में अडॉप्ट ए हेरिटेज परियोजना के तहत कितने स्मारक अपनाए गए, तो ये अपनाए गए 10, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 10। तो इसका कितने अपनाए गए, 10। तो चलते हैं अपनी इसके पिक्चर के बारे में, तो वहाँ से आपको अच्छे से याद हो पाएगा, और मैं उसके अलावा अलग से डिटेल भी बताऊँगा आपको। तो ये आप देख पा रहे हैं इसकी पिक्चर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अडॉप्ट ए हेरिटेज। ये सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये कब अपनाया गया था, ये 2017 में अपनाया गया था, कौन सा, तो ये लाल किला, लाल किला अपनाया गया था। तो ये आपको ये से भी याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ये किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों, ये अपनाया गया था एक ग्रुप था, तो उसके उसको प्राइवेट कंपनी ने अपनाया था इसको, तो ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल डालमिया ग्रुप ने इसको अपनाया था। तो आपको ये याद रखना है कि लाल किला किसने, किस कंपनी के मालिक वो, इसके मतलब कौन है, तो वो याद रखना है आपको, डालमिया ग्रुप। ये कब आया था, ये एक गवर्नमेंट की नई योजना है, ये क्या है अडोप्ट हेरिटेज, ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट की एक नई योजना है चलाई है, इसके तहत जितने भी स्मारक हैं प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, जितने भी स्मारक है वो किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। प्राइवेट कंपनियां फिर उनका रख रखाव करती है, प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, उनका रख रखाव करती है अपने अनुसार, फिर उसका टिकट का रेट डिसाइड करती है, और उससे क्या करती है, पैसे कमाती है। तो ये आपको इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो आपको याद रखता हूँ। और इससे पहले कौन करता था इनका रखरखाव, तो इससे पहले गवर्नमेंट के तहत होता था, ओकेलॉजी के तहत, ओकेलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती थी, पहले किसके अंदर आते थे, जो ये स्मारक है ओकेलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते थे। सबसे पहले ये चर्चा में आया था, लाल किला जो दिल्ली में है वह चर्चा में आया था। और इसकी शुरुआत कब से की गई, इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों 27 सितंबर 2017 से इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में हर्बल निगम की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य राज्य की सरकार ने की है। तो हाल ही में हर्बल निगम की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये की है हरियाणा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा में हाल ही में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था लास्ट वाली वीडियो में, तो इसके रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा सेतु ऐप किस राज्य ने लॉन्च की, तो किसने की थी, हरियाणा ने लॉन्च की थी। अब यहाँ हर्बल निगम की बात आई है, तो आपको एक शब्द आना चाहिए आयुर्वेद, आयुर्षि, AYUSH, इसकी पूर्व, ये बहुत सारे एग्जामों में हाल ही में पूछा गया, इसकी पूर्व फॉर्म होती है A4 आयुर्वेद, Y4 योगा, और U4 यूनानी, और S4 क्या होता है, सिद्ध, S4 सिद्ध, और H4 होम्योपैथी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध होम्योपैथी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे क्या आपको रिलेटेड चीज़ें भी याद रखनी है। यहाँ बात तो यह हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में भी जान लेते हैं, तो चलते हैं हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो ये है हरियाणा के बारे में, तो स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, लोक नृत्य धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग, घोड़ी। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से, कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख बांध कौन कौन से, कौशल्या बांध जो कौशल्या नदी पर बना हुआ है दोस्तों, हथिनी कुंड बांध यमुना नदी पर बना हुआ है। जिले हैं यहाँ 22, लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इन्हें इससे रिलेटेड क्या है याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो मैंने कल पूछे थे आपसे उनका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कल के क्वेश्चन थे, इसका राइट आंसर दिया था सौरभ शर्मा ने, जो भी राइट आंसर बताता है उसका नाम मैं लास्ट वीडियो में लेता हूँ। तो हाल ही में किसे अपने पशु समर्थक प्रयासों के लिए पेटा इंडिया
2018 पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया था। किसे नामित किया गया था? वो किया गया था सोनम कपूर जी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो रैंकिंग थी 108। ये बिल्कुल राइट आंसर देते हैं सौरभ शर्मा जी, तो उनको बिल्कुल थैंक यू हमारी वीडियो को शेयर करने के लिए, और लाइक करो शेयर करो, अच्छी लग रही हो तो आपको। आज के क्वेश्चन ऑफ डे है तो उसके बारे में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया सीईओ किसे अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की ओर से किसे राजदूत नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तब भी कमेंट में लिखे, अच्छी लगी हो तब भी कमेंट में लिखे, और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। उनको क्या, आप भी शेयर करोगे तो उनको भी पढ़ने में मिलेगा, उनको भी क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी साथ में बताता हूँ, ऐसे कोई नहीं बताता यूट्यूबर। और अपने सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जब तक।